एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को और संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। मर गया, लोगों के लिए मुसीबत कर गया। भोज भंडारे के बाद पंच इकट्ठे हुए, संपत्ति के नाम पर क्या छोड़ गया का 19 ऊंट, अब इनके आधे करो, फिर चौथाई करो, पांचवा हिस्सा। पंच बोले ऊंट बेचकर रुपया बांट देते हैं। कहा नहीं नहीं जो लिखा है सो। बड़े परेशान, तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर आया, क्या बात है? कहा मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया। कोई बात नहीं, मरने वाले से हमारी मित्रता, में अपना ऊंट देता हूं। अब कितने हो गए? 20। करो बंटवारा, आधा हिस्सा बड़े बेटे को। तो 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दिए छोटे बेटे को, और पांचवा हिस्सा बेटी को, तो 4 बेटी को दे दिए गए। अब हिसाब लगाओ, 10, 5, 15, 4, 19। 20वें ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था, सो हो गया। अब आपने देखा कि 20वां बटा नहीं, और 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं। तो जिसके बिना कुछ नहीं होता वह कुछ नहीं होता। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तब तक कार्य नहीं कर पाते जब तक 20वां परमात्मा उपस्थित न हो। ये सदा साथ है। लक्ष्मण जी के साथ भी नगर देखने गए, गुरु जी बोले तुम दोनों जाओ नगर देखने। हे राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे खोरन जनकपुर की खोरन में, राम झूमती जुवती झांके झरोखन में, राम बिहर बिहर जनकपुर जनकपुर की।